अनुदेशक सुनवाई सत्यमेव जयते। हाई कोर्ट के फैसले का सम्मान करना होगा यूपी सरकार को। नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुदेशक न्यूज़। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अनुदेशक न्यूज़ में। अनुदेशक न्यूज़ आपके संघर्ष का साथी। 11 जुलाई को अनुदेशक मानदेय 17,000 की सुनवाई होनी है और इसमें सरकार को अपना पक्ष रखना है। जी हाँ साथियों, पिछली बार भी सरकार को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मौका दिया था, लेकिन पिछली बार सरकार के वकील साहब कोई भी सबूत कोई भी दस्तावेज बिना लिए ही उपस्थित हो गए थे, जिसके लिए जजेस ने उनको डांट फटकार लगाई थी और कहा था क्या संगम नहाने आए हैं आप, ना तो कोई कागज़ लेकर आए हैं ना कोई सबूत लेकर आए हैं, क्या जवाब देंगे इस फैसले में, मानदेय 17,000 के इस फैसले में सरकार की तरफ से। जिसके लिए उन्होंने वकील साहब को काफ़ी कुछ नसीहत दी थी, इस मामले को लेकर कहा था मजाक ना समझेंगे। माननीय न्यायाधीश बिंदल साहब की टीम ने हर्जाना लगाया था कि उनको आने जाने का कोई भी भत्ता सरकार द्वारा ना दिया जाए, और वकील साहब को नसीहत दी अगली बार दस्तावेज लेकर ही उपस्थित हूँ। तो देखते हैं इस बार क्या अपनी दलील पेश करेंगे सरकार के वकील अनुदेशकों के इस फैसले के बारे में, इस मानदेय 17,000 के इस मामले के बारे में क्या सरकार की तरफ से बचाव करेंगे। ये एक रोचक और बड़ा सवाल बना हुआ है अभी तक। आपको बताना चाहेंगे कि लखनऊ हाई कोर्ट ने पहले ही अपना फैसला सुना दिया है कि अनुदेशकों को मानदेय 17,009% ब्याज के तुरंत दिया जाए, आदेश जारी हो चुका है। अब देखना है हाई कोर्ट इलाहाबाद क्या फैसला सुनाता है, क्या इस फैसले को ही मानते हुए फिर से एक फैसला सुनाएगा कि सरकार को मानदेय 17,009% ब्याज का अनुदेशकों को तुरंत वापस दिया जाना चाहिए, और देखते हैं सरकार फैसले का सम्मान करती है कि नहीं। हम अपने सभी दर्शकों को बताना चाहेंगे एक और बड़ी बात जुड़ी हुई है इस मामले को लेकर। बताया जा रहा है कि डॉक्टर एपी सिंह माननीय सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता इस सुनवाई में मौजूद रहेंगे, ऐसा समाचार सोशल मीडिया के माध्यम से प्राप्त हो रहा है। और देखते हैं कि उनकी मौजूदगी में क्या कल फैसला लिया जाएगा, अनुदेशकों के भविष्य को लेकर क्या नया सवेरा आएगा, अनुदेशकों के जीवन में क्या उनको उनका हक मिल पाएगा, ये एक बड़ा सवाल बना हुआ है। हम अपने चैनल के माध्यम से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि कल फैसला सुनाया जाए और अनुदेशकों की विजय हो, क्योंकि सत्यमेव जयते, सत्य की विजय निश्चित है। कहा गया है कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित कभी नहीं। तो देखते हैं कल डॉक्टर एपी सिंह साहब के समक्ष क्या बड़ा फैसला आएगा माननीय हाईकोर्ट इलाहाबाद का। साथियों, समस्त अनुदेशक भाई बहनों से मैं अपील करना चाहूँगा चैनल के माध्यम से कि धैर्य बनाए रखें और ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके हक में फैसला हो। सदैव सकारात्मक रहें, किसी भी टीका टिप्पणी करने से खुद को बचाएं और सत्य के साथ रहें। मैं हॉनरेबल जजेस अशोक बिंदल एवं जे मुनीर साहब का भी धन्यवाद देता हूं कि वे लगातार अनुदेशकों के इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। हम आपके अच्छे स्वास्थ्य और लंबी उम्र की कामना करते हैं। तो ये थी आज की खास स्पेशल रिपोर्ट। कल फिर से हाजिर होंगे अनुदेशकों से संबंधित, शिक्षा मित्रों से संबंधित नई अपडेट लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, कोविड गाइडलाइंस का पालन कीजिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।